कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। आइए मिलकर देखते हैं न्यूज़ बुक का ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंडिया ने साल 2021, साल 2022 और साल 2023 का बदला तो ले लिया, लेकिन सवाल यह है कि अब मुकाबला उस टीम से है जिसने इंडिया को हराया नहीं है। और सवाल फिर यही है कि क्या वो टीम जिस पर चोकर का आरोप है वो इंडिया को हरा पाएगी या इंडिया से हार जाएगी? वेल, इंडिया जीत जाएगी अगर इन पांच मुसीबतों पर इंडिया काम कर लेगी, और अगर इंडिया इन पांच मुसीबतों पर काम कर लेती है तो फिर वो जो साल 2014 में नहीं हो पाया, वो जो साल 2016 में नहीं हो पाया, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हो पाया, 19 के वर्ल्ड कप में नहीं हो पाया, 2021 2022 के T20 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, वो साल 2024 में हो जाएगा। वो हो जाएगा क्योंकि इंडिया इस बार कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, इस बार इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है, इस बार इंडिया ने चुन चुन कर हिसाब चुकता किया है। पाकिस्तान को 6 रनों से हराकर ग्रुप स्टेज से बाहर किया है, ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराकर सुपर 8 से बाहर किया है, और सेमीफाइनल में अंग्रेजों से 68 रन का लगान लेकर उनका टिकट भी वापस इंग्लैंड की तरफ कटवा दिया। इंडिया अच्छा खेल रही है, जबरदस्त खेल रही है, लेकिन इंडिया की जीत में अभी भी कई सारी कमियां हैं, कुछ किस्मत की, कुछ उसकी अपनी, कुछ सामने वालों की। जैसे इंडिया को एडन माकरम की किस्मत से लड़ना होगा। किस्मत क्रिकेट में बहुत बड़ी चीज होती है। माकरम वो कैप्टन है, वो बल्लेबाज है जिन्हें किस्मत उन पर मेहरबान रही है। माकरम जब भी फाइनल में गए हैं वो जीत कर आए हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल खेला, जीत कर आए। साउथ अफ्रीका के लिए S20 खेला, जीत कर आए कप्तान के तौर पर। साउथ अफ्रीका के लिए S20 2024 में खेला, वो जीत कर आए। फाइनल खेला T20 वर्ल्ड कप। रोहित को इतिहास बदलना पड़ेगा, रोहित को इतिहास बदलना पड़ेगा। हालांकि रोहित शर्मा खुद भी कभी भी T20 फॉर्मेट में फाइनल खेलते वक्त हारे नहीं, लेकिन माकरम और रोहित इन दोनों में बल्लेबाज और कप्तान दोनों का एक टेंशन होगा, एक इशू होगा कि कौन इनमें से बेहतर हो जाता है। दूसरी कहानी जो है वो है जैनसन की, रबाडा की, नौके की। मार्को जैनसन रोहित और विराट को क्या परेशान कर पाएंगे? हालांकि रोहित ने इस बार जिस तरह से मिचेल स्टार्क को फेंटा लगाया है उसके बाद शायद ही कोई बाएं हाथ का गेंदबाज होगा जो रोहित शर्मा से आंख में आंख डालकर बात करेगा। रोहित ने बता दिया कि देखो हमारी मर्जी होती ना तब हम अपने लिए चैलेंज पैदा करते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा मन होता है, तुम चाहे स्टार्क हो, बोल्ट हो, शाहीन हो या जैनसन हो, हम तुमको खुले में कूट सकते हैं। तो रोहित शर्मा मन मर्जी के मालिक है, लेकिन जैनसन से उन्हें बचना होगा और हम चाहेंगे कि ये कहानी बचे। रबाडा की क्लास से उन्हें संभलना होगा, नौके की स्पीड से उन्हें बचना होगा, ये अपने आप में कठिन कहानी है। नौके ने 8 मैच में 13 विकेट निकाले हैं 5 इकोनॉमी से, रबाडा ने 8 मैच में 12 विकेट निकाले हैं, जैनसन ने 8 मैच में 6 विकेट निकाले हैं। तीनों अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन क्या ये इंडिया के सामने उतने बेहतर होंगे या रोहित शर्मा की क्लास में फंस कर ये थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय हो जाएंगे? सवाल बड़ा है। सवाल महाराज और शमशी के स्पिन को लेकर भी है। साउथ अफ्रीका इकलौती ऐसी टीम है जिसके गेंदबाज जो है वो इंडियन स्पिनर के आसपास भटकते हुए नजर आते हैं। एक तो दो स्पिनर हैं महाराज और जो लेफ्ट आर्म स्पिनर और शमशी रिस्ट स्पिनर है, माकरम खुद भी गेंदबाजी कर लेते, तो ठीक ठाक स्पिन इनके पास है। हालांकि इंडियन बैट्समैन क्या इनके स्पिन से फंसेंगे ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन पिच ट्रैक ये बहुत मैटर करते हैं। हालांकि ये बात अच्छी है कि इंडिया के कुलदीप या अक्सर जैसी स्पिन क्वालिटी इनके गेंदबाजों में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिन पर केशव महाराज हुए या शमसी हुए वो मैच का रुख पलटना जानते हैं, उन्होंने ऐसा किया भी है और इस बार के उनके स्टैट्स भी कहते हैं। शमसी ने 4 मैच में 11 विकेट निकाले हैं 7.5 की इकॉनमी से, केशव महाराज ने 7 मैच में अच्छी गेंदबाजी की है, लगातार परफॉर्मर रहे हैं और ये अपने आप उनके लिए खास है। इंडिया को बचना होगा किलर मिलर और क्लासन की क्लास से, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी पिच पर कहीं भी रुख पलट सकते हैं, मैच पलट सकते हैं, इतिहास रख सकते हैं। अगर पाटा पिच निकली तो क्लासन से खतरनाक वर्ल्ड क्रिकेट में गिने चुने खिलाड़ी।
या उनके कद के बराबर के, और मिलर किसी भी पिच पर किसी भी समय कहीं पर भी अपनी क्लास दिखा देते हैं और ठहर कर मैच जिताने आते हैं। मिलर का ही कमाल था गुजरात टाइटंस ने ट्रॉफी जीती थी, मिलर का ही कमाल है कि साउथ अफ्रीका यहां तक पहुंची है। ऐसे में मिलर को संभालना इंडिया के लिए बहुत जरूरी होगा, जितनी जल्दी इनको भेजा जाएगा उतनी जल्दी इनके लिए कहानी होगी। क्लासन ने 5 मैच में 108 रन बनाए हैं, मिलर ने 5 मैच में 101 रन बनाए हैं, लेकिन इन आंकड़ों से इनको जज मत कीजिएगा। लेकिन जो आखिरी खिलाड़ी है मेरे हिसाब से वो सबसे खतरनाक है, नाम क्विंटन डीकॉक। वो खिलाड़ी जो इंडिया के गेंदबाजों को जानता है, वो खिलाड़ी जो इंडिया में खेला हुआ, वो खिलाड़ी जो इंडिया के किसी भी गेंदबाज को किसी भी दिन धज्जियां उड़ा सकता है, वो खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका का सबसे रिलायबल सबसे बड़ा प्लेयर है, और वो खिलाड़ी जो अगर ऊपर से आउट हुआ तो साउथ अफ्रीका धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। क्विंटन डीकॉक, अगर इंडिया को अफ्रीका को एक बार फिर चोकर साबित करना है तो इन 5 चीजों पर काम करना होगा। इन 5 चीजों पर इंडिया ने काम किया, इंडिया जीत जाएगी। इंडिया की मुसीबत है विराट कोहली, इंडिया की मुसीबत है शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, लेकिन यू नेवर नो, रोहित शर्मा के जबान पर शायद भगवान हो जब उन्होंने कहा कि शायद विराट हैज सेव हिज बेस्ट फॉर द लास्ट। क्या विराट की क्लास वर्ल्ड कप दिलाएगी? इतिहास याद रखेगा उसे जो 29 तारीख को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में हीरो बनकर आएगा। ट्रॉफी रोहित शर्मा को हीरो बनाएगी, विराट अपनी परफॉर्मेंस से अपने क्रिकेटिंग करियर में एक सितारा लगा सकते हैं, वो सितारा जो आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि कौन था विराट कोहली। प्लस जिसो इंडिया इस बार वर्ल्ड कप उठाए, इन 5 पर काम कर। क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था। फाइनल मैच के लिए कौन जीतेगा ये मैच, कौन लेकर आएगा अपने घर ट्रॉफी? देखिए, कोई भी ले सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इंडिया ही जीते, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीते। दोनों टीमें इस वक्त बैलेंस है, और मैं अगर प्रेडिक्शन करूं 60-40 का मार्जिन है। इंडियन टीम 60% चांस रखती है, 40% साउथ अफ्रीका का टीम भी, क्योंकि वो भी हल्की टीम नहीं है, बड़े मैचों की चोकर टीम जरूर उसको कहा जाता है। लेकिन इस वक्त जो टीम है जो कल को फाइनल खेलेगी, उसमें वो प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में सारे के सारे नजर आते हैं और आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो सारे प्लेयर्स। और क्योंकि उनको इन इंडियन बॉलर को फेस भी किया हुआ है, इन्हीं खिलाड़ियों के साथ वो खेलते भी हैं, तो कमजोरियों खामियों खूबियों को सबका इलम होता है, और वहां पे वो हर एक चीज पर वो भी काम करके कल को मैदान में, क्योंकि ये उसके लिए डू एंड डाई वाला सीन है, क्योंकि वो मर मर कर पहुंचे हैं यहां तक। अब उनके लिए यहां से ट्रॉफी उठाना उनके लिए तो एक लक्ष्य है, क्योंकि वो उस चीज को लेकर आएंगे कि हमारे नाम भी एक ट्रॉफी हो जाए। और वो इंडिया जीत चुका है बहुत बार, बाकी टीमें भी सारी की सारी जीत चुकी है, ये वाहिद टीम है वो न्यूजीलैंड, और ये वो वाहिद टीमें हैं जो अभी तक वो ख्वाब से उस दूर है, उस ट्रॉफी को उठाने से, उसकी जो वो कृष्णमाती जो ट्रॉफी है इसकी वो से दूर है। लेकिन ये कर सकते हैं और वो करने के लिए आएंगे भी। अब टीम इंडिया ने करना है कि इनको रोकना कैसे है, ये जो 5 बल्लेबाज जिनका नाम लिया गया है इनको रोकना कैसे, क्योंकि उनकी टीम में बैट्समैन भी बड़े जबरदस्त किस्म के हैं, उसकी टीम में जो बॉलर्स हैं वो भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए आ रहे हैं। ये मत कहिए कि वो लड़खड़ा गई, वो ऐसे होगी, ये होगी, उस वक्त सारी टीमें लड़खड़ा गई थी पहले राउंड में, लेकिन असल मुकाबला कल को होगा। कल जो अपने असाब पे काबू पालेगा वो टीम जीत जाएगी, और हमारी दुआएं टीम इंडिया के साथ हैं, टीम इंडिया जीते और एक बार फिर से ट्रॉफी, खास करके मेरी तो पर्सनली जो दिली तमन्ना है कि रोहित जो कि नहीं उठा सका वो पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी, इस बार वो ट्रॉफी उठाए, और वो क्योंकि अब उसका कैरियर जो है क्रिकेट का वो भी एंडिंग मराहिल पे नजर आता है, तो उसके हाथ में ट्रॉफी होनी चाहिए जरूर। बिल्कुल ऐसी है, देखें कि साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, दोनों में जो है वो बैट्समैन को देख लें तो दोनों के बैट्समैन जो है वो सही जो है फॉर्म में है, अगर उनके बॉलर को देख लें तो बॉलर भी भाई बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन दे रहे हैं। ये चीज है कि जब ये मैच होगा दोनों का, फाइनल होगा, तो उस वक्त जो टीम अपने आप को, अपनी मैनेजमेंट को, अपने माइंड को जो लेगी वही भाई जो ट्रॉफी उठाएगी, वो हकदार भी ट्रॉफी की वही होगी जो अपना जो है वो वहां लोहा मनवाएगी। दोनों टीमें देखें कि दोनों टीमें भाई फॉर्म में है, इंडिया की टीम देखें वो भी फॉर्म में है, बॉलर है, बैट्समैन है, साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो भी है, लेकिन जो है हमारी दुआ है कि भाई हमें दिली खुशी होगी कि अगर इंडिया जो है
वो ट्रॉफी उठाए रोहित शर्मा के हाथ में, हम जो है वो तस्वीर देखना चाहते हैं कि भाई ये ट्रॉफी जो है ये रोहित शर्मा उठा के जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं जिस तरीके से जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं भाई, टीम के अंदर जो है ना लीडरशिप का जो मुजाहरा कर रहे हैं बिल्कुल उनका बनता है ट्रॉफी उठाना। लेकिन जो बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाएगा कल फील्ड के अंदर मैदान में उतर कर जो अपने असाब पे काबू पाएगा और जो मोटिवेशन लेवल को अप लेकर जाएगा अपनी टीम का मोराल वही बुलंद होगा और फिर वही अच्छा खेल पाएंगे, जो माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर होता है फाइनल का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उस दिन जो है ना पता चलता है कि खिलाड़ी कितना दम है। लेकिन रोहित शर्मा, किंग कोहली और बहुत सारे खिलाड़ी जो है ना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो अफ्रीका है वो सेमीफाइनल की चोकर है, फाइनल में क्या करती है ये पता चलेगा। बिल्कुल जी, कल बड़ा मैच है, बड़ा दिन है, बड़े खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का दिन है और कल को विराट कोहली की परफॉर्मेंस का दिन है। जरूर वो अपना जो पूरे टूर्नामेंट का वो फेलियर है, यहाँ पे आकर वो साबित करें कि वो बड़े प्लेयर हैं और बड़े मैचों का प्लेयर है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।